हेलो एंड वेलकम टू उन्नति कंपटीशन क्लासेस। देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा घटना चक्र बुक के बारे में और ये होगा बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान का पार्ट 4। इसमें हम बात करेंगे मनुष्य के हृदय के बारे में, परिसंचरण के बारे में और अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे, अगर कोई स्टूडेंट काफी टाइम से तैयारी कर रहा है तो उसको अच्छे से पता होगा कि बायोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम के लिए। जिस तरह से आपकी हिस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पूरे जीएस सेक्शन में, तो सेकंड नंबर आता है बायोलॉजी का। और बायोलॉजी से काफी सारे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर अगर आपके पास समय काफी कम है, अगर आपके पास समय रियल में काफी कम है पढ़ने का और आपके एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके सामने आ चुकी है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले फोकस करिए प्रीवियस एग्जाम में। प्रीवियस एग्जाम में मतलब कि जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, केवल और केवल उन पर फोकस करिए। फिर आप देखेंगे कि कम से कम 90% क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम से ही वो कॉपी और पेस्ट करता है। कॉपी पेस्ट मतलब कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसने उठाए, नए पेपर में उसने डिजाइन कर दिया 90%। तो इसलिए 90% को पहले स्वीकार करिए। उसके लिए आप एक काम करिए कि एक स्टैंडर्ड कोई भी बुक उठा लीजिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हों। जैसे ये घटना चक्र बुक है, इसमें आपके लास्ट 15 वर्ष तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी एग्जाम में वो सब पूछे गए हैं, सब इसमें बताए गए हैं, आपको दिखाए गए हैं। आप इस बुक के माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस बुक का लिंक आपको दूंगा, आप वहां से इसे परचेस कर सकते हैं। वरना अगर आप परचेस करना नहीं चाहते, ध्यान रखिएगा, अगर आप परचेस करना नहीं चाहते, आपका मन नहीं है बिल्कुल भी बुक परचेस करने का, पहले से ही आपने बुक का काफी ढेर लगा रखा है, तो इस केस में आप एक काम कर सकते हैं कि इस चैनल की घटना चक्र के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर जाएं। वहां पर आपको इसके ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, उन सभी वीडियो का आप वॉच करें और उनके नोट्स बनाएं। अब मैं शुरू करता हूं आज का अपना ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। और इससे हमने जो पहले के जो भी वीडियो थे बहुत सारे अपलोड करे थे, जैसे बायोलॉजी में अब तक हमने बस केवल 3 ही वीडियो अपलोड करे हैं, जिसमें आपका टॉपिक था पहले विटामिन्स को लेके अपलोड करा, फिर करा हमने मनुष्य पाचन तंत्र को लेकर के, फिर मैंने करा था वीडियो अपलोड कंकाल को लेकर के, जीव कंकाल क्या क्या होते हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन आज मैं बात करूंगा जो जो टॉपिक वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है, ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हीमल तंत्र। देखिए आपको 4 ऑप्शंस में फोकस नहीं करना है, आपको डायरेक्ट राइट आंसर याद करना है, ठीक है। ज्यादा विकल्प होंगे ज्यादा कंफ्यूजन बनेगी, ज्यादा विकल्प देखेंगे ज्यादा ऑप्शन देखेंगे तो कंफ्यूजन बनना लाजमी है, तो इसलिए कंफ्यूजन ना बने, आपको डायरेक्ट फोकस करना है जो ग्रीन कलर से मैंने बॉर्डर जिसका बना रखा है, मतलब सी, सी मतलब हीमल तंत्र पर ही आपको फोकस करना है। अब बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर की, प्राणी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं, कहाँ पे इसकी डेथ होती है, ये होती है प्लीहा में, इसको बोलते हैं प्लीहा बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और सबसे बड़ा श्वेत जो है रुधिराणु कौन सा है, वो है आपका मोनोसाइट। एग्जाम में आपको देगा एक केंद्र काणु जिसको बोलते हैं मोनोसाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका जो मेन कार्य होता है शरीर की रोगों से रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है लिम्फोसाइट। आप याद रखिएगा उसका नाम क्या है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट जो है वो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होती हैं, और एचआईवी विषाणु जो होता है वो होता है लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है, और उसके बाद क्या होता है हमारी तबीयत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तबीयत ठीक नहीं होती, हमारी बॉडी का क्या होता है डे बाय डे लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले एचआईवी जो विषाणु होता है किसको नष्ट करता है, वो करता है किसको, लिम्फोसाइट को, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के हमसे पूछ लिया उसने, एड्स के विषाणु किसको नष्ट कर देते हैं, वो करते हैं लिम्फोसाइट को। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं, तो उसको बोलते हैं विसरण।
क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? यह है रक्त, और रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा। याद रखिएगा, ये जो है रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण है, प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? आयरन, लोहा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाली प्रोटीन कौन सा होता है? इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा था, ये एक प्रोटीन है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। इसका काम क्या? रक्त धारा में ऑक्सीजन का प्रवाह करना। क्वेश्चन नंबर 11, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बद्धता होती है किसमें? तो इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, और ऑक्सीजन से 250 गुना ये अधिक होती है। याद रखिएगा, ऑक्सीजन से कितना गुना अधिक होती है? 250 गुना ये अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हीमोग्लोबिन की अधिकतम बद्धता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मानव रक्त का रंग लाल होता है क्यों? क्या रीजन होता है? अगर ब्लड का रंग लाल होता है उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, जैसे हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोगों का जो ब्लड होता है काफी मतलब लाइट होता है, बहुत ही हल्का होता है, कुछ लोगों का खून का रंग काफी डार्क होता है, तो वो होता है कि जिसका कलर बहुत डार्क होगा तो मतलब हीमोग्लोबिन की मात्रा उसके अंदर बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है उसके अंदर, तो इसलिए उसका कलर जो होता है काफी ही रेड, मतलब महरूम लगता है आपको देखने में। ठीक है, वैसे हम बोलते हैं कि रेड है लेकिन वो महरूम होता है। देखिए, अब बात करते हैं, इसमें ग्लोबिन नामक लोह युक्त प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा में कमी होने पर क्या होगा? रक्त क्षीणता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है प्रोटीन। याद करिएगा, जहन में इसको दर्ज कर लीजिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। और क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं हम लोग की हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो ये होता है लोहा। और यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाता है, अगर कि आपका ब्लड ग्रुप हम मानते हैं कि एबी पॉजिटिव है, और आपको कोई अदर ग्रुप का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाता है, ब्लड आपके बॉडी में चढ़ा दिया जाता है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सभी धमनियां क्या होंगी? संकुचित हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं। अगर धमनियां सुकड़ जाएंगी तो क्या होगा? हमारी जो रक्त होगा उसका फ्लो बन नहीं पाएगा, रक्त हमारा बह नहीं पाएगा बॉडी में, और रक्त अगर नहीं बह पाएगा तो क्या हो जाएगा? हमारी क्या होगी? डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों को एकत्र हो जाना कारण है क्या? गठिया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और द्वि ऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं? इसको बोलते हैं उभयचर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? ये होते हैं 4। मस्तिष्क की बात कर रहा है, मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? ये होते हैं 4। और क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से किसका सह संबंध रक्तचाप से है? यह अधिवृक्क। ये क्या है? यह अधिवृक्क। देखिए, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एसएससी का किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, और आगे भी इनकी पूछे जाएंगे, संभावना काफी अधिक है। मैं अगेन रिपीट करूंगा कि अगर आपने अब तक नोटबुक नहीं उठाया तो प्लीज नोटबुक उठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो इसका राइट आंसर है हेमोएरिथ्रिन। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा रक्त देने वाले वे लोग होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या होता है? जिनका ब्लड ग्रुप होता है ओ। क्वेश्चन नंबर 21, यदि माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप एबी है और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चों का संभावित मतलब क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या संभावना रहेगी उनके बच्चों के ब्लड ग्रुप होने की? या तो ए होगा या फिर बी होगा, ना ही ओ होगा ना ही ए बी पॉजिटिव होगा, उसमें मतलब ए बी हो सकता है बी भी होगा लेकिन ओ बिल्कुल नहीं हो सकता, ए बी बिल्कुल नहीं होगा, ये देखने में आया है अब तक का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को का होता है, मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे क्या हो सकता है, ले सकता है, तो उसको बोलते हैं ए बी पॉजिटिव।
और रक्त को याद रखिएगा कितने भागों में डिवाइड करा गया है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, काफी बेसिक क्वेश्चन है, शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो इसको प्लीज नोट मत करना, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इसको नोट मत करना, आप इसको तुरंत वीडियो को पॉज करके याद करना, मतलब वीडियो को पॉज करना है, 5-6 बार इस लाइन को पढ़ना है कि रक्त को 4 प्रमुख समूह में बांटा गया है, ए बी और ए, बस इतना बोलना है 5-6 बार आपको याद, पूरा ब्लड ग्रुप हो जाएगा और कितने भागों में डिवाइड करा गया ये भी आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हमसे कहता है कि रक्त के ए बी वर्ग वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का ब्लड ग्रुप क्या हो, ए बी, मतलब ए बी वाला ए बी को ही देगा और किसी को नहीं दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है वो। आगे बात करते हैं, देखिए मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, देखिए मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, 80/120, याद रखिएगा 80/120, ये आपके एमटीएस एग्जाम में कई बार पूछा गया है और ग्रेड डी के जो भी एग्जाम होते हैं रेलवे वगैरह के, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी का एग्जाम नहीं भी देते तो भी ये बुक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी वीडियो देखिए, काफी ईमानदारी से देखिए और ये नहीं कि बस केवल देखा सुना नोट नहीं करा, जी ये तो आता था चलो ठीक है याद कर लेते हैं, ऐसा नहीं, जो आता था उसे नोट नहीं करना है, जो नहीं आता उसे नोट करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एक किशोर वय मनुष्य के सामान्य रक्तदाब कितना होता है, 120/80, और रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, ये करता है एड्रिनल ग्रंथि, इसको बोलते हैं अधिवृक्क। क्वेश्चन नंबर 27, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, ये किया गया है रक्तचाप बढ़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मेल है, सही मेल कौन सा है, तो सही मेल जो है वह आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब धमनियों का अवरुद्ध हो जाना क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं इस्कीमिया। क्वेश्चन नंबर 30, कि व्यस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है, 5.0 मिलियन, मतलब 5 मिलियन। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा होता है, ये होता है आपका हिपेरिन, और मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है, 180/200, और मनुष्य में सामान्य निरन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है 80 से 100 mg। अगला क्वेश्चन है कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर में होता है क्या होता है, ये होता है 60, और मानव रुधिर का पीएच मान क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रुधिर का जो पीएच मान होता है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और रुधिर का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4, तो पीएच मान आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं, देखिए वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 5 लीटर, एक बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है, वो होता है 5 लीटर, ज्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, बट जरूरत से ज्यादा ना हो और जरूरत से कम भी ना हो। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का परसेंटेज लगभग कितना परसेंट होता है, ये होता है 55%, और कॉर्पसल के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, और अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है फॉलिक एसिड कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वो होता है अरक्तता। देखिए रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, ये करा जाता है पोटास एलम का, पोटास एलम का प्रयोग करा जाता है रक्त स्राव को रोकने के लिए। और निम्न में से कर्णव प्रोटीन कौन सा है, यह है आपका वर्णक प्रोटीन जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है, ये होता है रक्त जमाव में। देखिए विटामिन का एक वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि खून का थक्का किस विटामिन की कमी से या किस विटामिन कौन जिम्मेदार होता है, अगर ब्लड की क्लोटिंग अगर नहीं हो रही है तो बॉडी में कौन से विटामिन की कमी है, तो उसमें आपके पास जो विटामिन की कमी होगी वो होगी विटामिन के की कमी, ये शायद आपको पता होगा, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो मॉक टेस्ट में आपने इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, विटामिन को लेकर के एक नए क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है
तो वो वीडियो आप देखिएगा जरूर कम से कम, ठीक है। टाइम नहीं मिलता फिर भी टाइम निकालिए, आज नहीं तो कल, तो उसको स्किप मत करना। अगर आपको अच्छे से आपकी बायोलॉजी कवर है, आपको क्लियर है सबका सब, तो वॉच नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। देखिए आगे बात करते हैं कि रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है, ये है आपकी संधिपाद। और मानव की लाल रुधिर कणिकाओं की आयु निम्नलिखित में से कितनी होती है? ये होती है 120 दिन। देखिए लाल रक्त कणिका इसको बोलते हैं आरबीसी का औसत जीवन काल लगभग कितना समय का होता है? ये होता है 100 से 120 दिन। और कैचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? ये होता है अग्रगामी ओर। अब देखिए इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं, ये आपकी जीके होगी वन लाइनर जीके जो इस पुस्तक में दी गई है। देखिए पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या विलियम हार्वे ने की थी और लसिका कोशिका रोगों का प्रतिरोध करने की सहायता करती है। मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ तथा हृदय में से हार्ट जो है, दिल जो है शरीर का एक ऐसा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता है। आपसे देखिए एग्जाम में ये पूछता है कि मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, जीभ और हृदय में से कौन सा ऐसा अंग है जो कभी आराम नहीं करता है, तो उसका राइट आंसर होगा क्या? हृदय, मतलब दिल। आगे बात करते हैं, देखिए प्रतिरक्षी पैदा करने वाली कोशिकाएं जो होती है वो होती है लसिकाणु होती है। और रिसाप्रीन नामक दवा का प्रयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। रक्त के थक्के जमने के कारण थ्रोमीन है। रक्त का जो थक्का जमता है उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है थ्रोमीन और विटामिन के। आगे बात करते हैं, देखिए डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्टेथोस्कोप ध्वनि का परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप काम करता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में आला, जो डॉक्टर लोग अपने गले में लगाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं आला और स्टेथोस्कोप। अगला क्वेश्चन है आपको, आपके लिए, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जो यह रोग सर्वप्रथम ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को होने के कारण यह रोग राज परिवारों से संबंधित माना जाता है। आगे बात करते हैं हम एक्यूबेंचर। एक्यूबेंचर सुइयों के माध्यम से उपचार करने की विधि होती है और मधुमेह के रोगियों को मधुरण कारण के रूप में दिए जाने वाले उत्पाद एस्पार्टम और पेप्टोआइस वर्ग से संबंधित माना जाता है। जीवित जो जीव में प्रतिरक्षियों का उत्पादन प्रेरित करने वाले पदार्थ को प्रतिजन मतलब एंटीजन कहते हैं। किसी बाहरी पदार्थ के मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्टि होने पर आरबीसी अपनी प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देती है। धमनियों की मित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। और गुर्दे को रक्त पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका वृक्क धमनी कहलाती है। आगे बात करते हैं, देखिए कि मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो ये होती है 91 से लेकर 92%। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल डी बैकी द्वारा शुरू किया गया था। और मानव हृदय में बाएं नीले के संकुचन पर रक्त महाधमनी की ओर प्रवाहित होती है। और हीमोग्लोबिन तथा क्लोरोफिल दो जीव अणु हैं जिनमें क्रमशः लोहा और मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। हीमोफीलिया रोग विलंबित रक्त स्कंदन से संबंधित है। रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाने के कार्य में लोहित कोशिकाएं भाग लेती हैं और जिगर में ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचाने वाली धमनी को यकृत धमनी कहते हैं। लाल रुधिर कोशिकाओं का महत्वपूर्ण घटक हीमोग्लोबिन है। रक्त में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। और हीमोग्लोबिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है। देखिए आप सभी के सभी जो भी वन लाइन जीके पढ़ रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। आगे बात करते हैं, देखिए कि रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति केवल रुधिर वर्ग या तो बी से ब्लड ले सकता है या फिर ए बी वाले व्यक्ति को अपना रुधिर दे सकता है। देखिए प्रतिदिन हमारे हृदय के कपाट लगभग कितनी बार, जो वॉल्व होते हैं हमारा दिल धक 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 इस तरह से करता है ना, तो हमारे जो कपाल होते हैं वॉल्व होते हैं वो खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो ये होते हैं कम से कम 1000 बार। धमनियों, सिराएं, उत्कोष्ठ एवं निलय में से रक्तचाप सबसे अधिक किसका होता है? एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है तो उसका राइट आंसर होगा निलय।
अगला जो क्वेश्चन है, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन अस्थि मज्जा द्वारा होता है और रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। मानव हृदय हृदयावरण में बंद होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए हृदय के बारे में, दिल के बारे में। अब इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, केवल और केवल उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का जो वेट होता है, दिल का जो वेट होता है, वो कितना होता है। तो ये होता है कम से कम 300 ग्राम। याद रखिएगा इसका वेट कितना होता है, 300 ग्राम। देखिए वेट भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, हम इतना गौर नहीं करते, यार वेट क्या हुआ, छोड़ो कहाँ पूछ रहा है एग्जाम में। लेकिन कुछ नहीं पता एग्जाम में वो कब क्या पूछ ले। जैसे कि आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था कब, MTS जैसे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, CGL के लेवल में, बल्कि MTS जैसे एक एग्जाम में पूछा गया। और MTS का एग्जाम का लेवल भी अच्छा खासा होता है। आप ये मत सोचिए कि ठीक है MTS है, ठीक है 10th लेवल पे होगा, क्या पूछेगा, अरे भाई वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसलिए तैयारी प्लीज अच्छे करके जाइए। आगे बात करते हैं, हृदय जो होता है वंचित होता है किससे, ऐच्छिक पेशियों से। हृदय जो वंचित होता है वो होता है ऐच्छिक पेशियों से। और आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है, ये करा जाता है एस्पिरिन से। और स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त नींद। सबसे पहले फूड मतलब आहार अच्छा होना चाहिए, फिर नींद अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद में और तीसरी चीज क्या क्या होनी चाहिए, सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना होता है। व्यायाम भी जरूरी होता है। देखिए जो भी ऑप्शन दिए है ना आपके सामने, उसमें ये सभी ऑप्शन आपको लगेंगे एग्जाम में, जब आप बैठेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप तुक्का लगा के अगर आना भी चाहेंगे ना, तो ऐसे ऑप्शंस में आप कोई भी तुक्का नहीं लगा सकते। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आपको अपना हार्ट को, दिल को काफी स्ट्रांग रखना है। तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो आहार मतलब कि अपना फूड अच्छा खाना पड़ेगा, पर्याप्त नींद लेनी पड़ेगी, और साथ में क्या होगा, सही मात्रा में क्या करना पड़ेगा, शारीरिक व्यायाम आपको करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं, देखिए वयस्क व्यक्ति के हृदय धड़कन दर क्या होती है, 70 से 80 बार हमारा जो दिल होता है 1 मिनट में धड़कता है। आगे बात करते हैं, हार्ट की मरमर निम्नलिखित में से किस कारण होती है, ये होती है चेवन वाल्व से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल की फुसफुसाहट इसको बोलते हैं मरमर से क्या पता चलता है, ये चलता पता है उसके वाल्व के बारे में, मतलब दोषपूर्ण कपाट के बारे में। अगर दिल में कोई तकलीफ है तो उसके कपाट ढंग से खुलेंगे नहीं, बंद नहीं होंगे। तो दिल की फुसफुसाहट से पता चलता है कि हार्ट कितना स्ट्रांग है और कितना स्ट्रांग नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के कि हृदय का काम क्या होता है, एक्चुअली जो हमारा जो हार्ट होता है उसका काम क्या होता है। तो उसका काम होता है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, मतलब पहुंचाना फोर्सफुली। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी सीरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है, तो उसको बोलते हैं फुसफुस सीरा। क्वेश्चन नंबर 10 की निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है, इसको बोलते हैं एस ए नोड को। क्वेश्चन नंबर 11, मानव हृदय में कक्षों मतलब चैम्बर की संख्या है क्या, 4। और मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं, ये होते हैं 4। और पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण क्या होता है, क्या है, क्या था, तो वो है आपका CN बर्नार्ड। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है, यह है हृदय। और हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगेन रिपीट करता हूं मैं आपके लिए कि हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कार्डियोलॉजी। अगर आप कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कार्डियोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है जहां पर क्या होता है, हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, कि क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कहता है कि मानवों का 1 मिनट में लगभग कितनी बार हृदय स्पंदन होता है, ये होता है 72 बार। क्वेश्चन नंबर 17, दिल का दौरा किस कारण होता है, उसको बोलते हैं दिल का दौरा पड़ गया उसको, ये जो रीजन होता है वो होता है कि हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आती है। अगर ब्लड जो होगा हृदय की जो आपूर्ति जो होगी उसमें कम होगा, हृदय के पास अगर ब्लड कम होगा तो क्या होगा, दिल का दौरा पक्का पड़ेगा, उसको दौरा पड़ जाता है। आगे हम बात करते हैं, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारा तीसरा टॉपिक क्या रहेगा, तीसरा टॉपिक होगा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि, हम केवल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो वो होती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 2, दुग्ध जनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है,
तो ये होता है पीयूष ग्रंथि में। और पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है, कहाँ पाई जाती है, अगर आपको पीयूष ग्रंथि देखनी होगी तो बॉडी के किस पार्ट को आप टच करेंगे, आप टच करेंगे मस्तिष्क के आधार में, मतलब मस्तिष्क से के नीचे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप स्थायी रखती है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, तो उसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ूंगा क्योंकि ये टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है। देखिए एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पहले तो मैं करूंगा इसको हाईलाइट, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। पीयूष ग्रंथि जो होती है मास्टर ग्रंथि कही जाती है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया, ठीक है। और नेक्स्ट है कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के भी मास्टर का काम करती है, मस्तिष्क का यह भाग तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के प्रमुख संयोजन की भूमिका निभाता है। यह क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर, भूख प्यास, लैंगिक आचरण तथा शरीर की सुरक्षा आदि को नियंत्रित करता है। देखिए हमको भूख लगती है बहुत ज्यादा, तो हमको भूख लग रही है तो इसका इंडिकेशन हमको कौन सी ग्रंथि देती है, तो इसका इंडिकेशन हमको मिलता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि मानव शरीर में वे नियंत्रण कहाँ है जो भूख पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करती है। देखिए अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था और क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के हमसे इसने पूछ लिया, तो आप कभी भी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ लिया उसको याद कर लिया, थोड़ी देर उस पर पॉज लीजिए, थोड़ा रुकिए, ठहरिए उस क्वेश्चंस के प्रति, और उसके बारे में सोचिए कि क्वेश्चन हमसे अगर ऐसे नहीं पूछा तो किस तरह से नई तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को अपने माइंड में बनाना सीखिए, नए नए तरीके से क्वेश्चन बनाइए और उसके आंसर याद करिए, तो ये स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी और वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पक्का डैम श्योर चेंज करता है एसएससी डिपार्टमेंट। तो थोड़ा बहुत अपना आप लोग कॉमन सेंस यूज करेंगे और मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका नंबर बहुत जल्दी आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। देखिए अभी हमने देखे 3 क्वेश्चन कंटिन्यू, तीनों में से लैंग्वेज चेंज कर दी और आंसर सबका सेम था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, निम्नलिखित में से कौन सा दोनों बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है, तो वह है पीयूष ग्रंथि। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि के बारे में पूछ रहा है, आप याद रखिएगा किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हमसे मिश्रित ग्रंथि के बारे में कौन सी है, तो वह है हमारी अग्नाशय। अगला जो क्वेश्चन है वो है स्तनपायी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, वो होती है यकृत। और निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि हो सकती है, तो उसका राइट आंसर है यकृत। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है, तो उसको बोलते हैं थायराइड, इसको बोलते हैं अवटू। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन सी अंतःस्राव ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है, तो उसका राइट आंसर है थायराइड अवटू। और थायराइड ग्रंथि की सामान्यतः बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है, तो मिलाया जाता है KI के रूप में। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण में ही अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बहु प्रभावी, बहुत सारा प्रभाव। और बात करते हैं इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था, देखिए आविष्कारों को लेकर के भी क्वेश्चन पूछता है, तो इम्पॉर्टेंट जो है वो है इंसुलिन, कि इंसुलिन का आविष्कार जो करा था वो करा था एफ बेंटिंग ने, और कब करा था, ये करा था 1932 में, आप ये वर्ष भी याद रखिएगा कब करा था, ये करा था 1932 में। आगे बात करते हैं कि हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का एक एग्जांपल बताइए कौन सा है, तो ये है आपका ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 17 जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य है फेरोमोन। क्वेश्चन नंबर 18 मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है, तो उसको बोलते हैं अधिवृक्क। और उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है, तो उसको बोलते हैं एड्रीनलिन। यह नरलिंग हार्मोन है, नरलिंग हार्मोन कौन सा है, तो वो है आपका टेस्टोस्टेरोन, याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन। आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालिक हार्मोन बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं,
तो ये बोलते हैं हम लोग एड्रिनल को। जब शरीर तनाव की स्थिति में जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में हो तब क्या होता है, एड्रिनल हार्मोन का स्राव होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने की सहायता करता है, इसलिए यह क्या होती है, जीवन रक्षक हार्मोन इसको बोलते हैं। तो ये आप प्लीज नोट करिएगा, जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं या फिर आपातकालीन हार्मोन किसको बोलते हैं, कुछ भी वो कह सकता है आपके एग्जाम में, तो आपको दोनों का ही मीनिंग पता होना चाहिए, राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है, तो ये करता है आपका प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर 23 है वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, और ग्रेव का रोग किस कारण से होता है, थायराइड की अति सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 25 अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं कौन सी होती है, ये होती है मुख्य कोशिकाएं, और स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूल से संबंधित होती हैं ताप नियमन से, और आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू उद्धर्त मतलब एडेम्स एप्पल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका थायरॉइड उपास्थि को। एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्य निस्रप अंडों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है एक। देखिए स्त्रियों का मासिक जो चक्र होता है वो 28 दिन का होता है, स्त्रियों के अंडाशय से कर्म से बारी बारी एक एक अंडाशु उत्सर्जित होता है, और उसके बाद में क्या होता है जो अंडवाहिनी में पहुंचकर 15वें दिन से 19वें दिन तक का रहता है। यदि इसी अंतराल में स्त्री संभोग करती है तो अंडाणु क्या होता है, निषेचित होकर के गर्भाशय में पहुंच जाते हैं, लेकिन यदि स्त्री इस अंतराल में संभोग नहीं करती है, तो वह अगले मासिक धर्म से बाहर निकल जाती है। तो फिलहाल आपको याद रखना है कि निस्रत अंडों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है मात्र केवल एक। आगे बात करते हैं, देखिए गेघा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है, ये होता है आयोडीन की कमी के कारण, और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 और 30 दोनों सेम है, लैंग्वेज चेंज है बस, केवल दोनों क्वेश्चंस का अर्थ सेम ही है लेकिन लैंग्वेज क्या है इसकी चेंज हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में पूछता है, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, पहली बात तो ये, ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो बल्ले बल्ले आपके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है, आपके नंबर अच्छे से आएंगे अगर ध्यान से पढ़ रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 31 है कि आयोडीनी युक्त नमक लाभकारी होता है कि थायराइड, इसको बोलते हैं अपटू ग्रंथि के काम के लिए, और मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण क्या होता है, मेलेनिन। किसी की स्किन ज्यादा डार्क होती है मतलब काली होती है, किसी की बिल्कुल व्हाइट होती है, किसी की बिल्कुल मीडियम होती है। तो ये जो कलर जो डिसाइड होता है हमारी स्किन का, वो कौन सा वर्णक उस समय काम करता है, वो करता है मेलेनिन। एसीटी हार्मोन स्रावित होता है क्या पीयूष ग्रंथि से, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन को कम बनने से होती है, डायबिटीज जो होती है मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है, तो उसको बोलते हैं इंसुलिन, आप याद रखिएगा उसको बोलते हैं इंसुलिन। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग, एस्ट्रोजन एक क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है, याद रखिएगा एस्ट्रोजन क्या है, एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, स्त्रीलिंग हार्मोन के बारे में पक्का पूछता है एग्जाम में, तो ये एक हार्मोन है क्या, स्त्रीलिंग हार्मोन। इंसुलिन में क्या होता है, कौन सी धातु पाई जाती है इंसुलिन में, इंसुलिन में होता है जस्ता। आगे बात करते हैं कि इंटरफेरोन जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन है के कारण एक कोशिका में विषाणुओं द्वारा आक्रमण पर अश्रुप्रवाहित होने की कमी आती है, पीनियल ग्रंथि क्या होती है, मस्तिष्क में होती है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पे होती है, पीनियल ग्रंथि जो होती है वो होती है कहाँ पर, मस्तिष्क में ही। काफी प्यारा क्वेश्चन ये भी है। आगे बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पीयूष ग्रंथि से FSH वे LH हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करती है, थायराइड जठर बोलते हैं अमाशय और यकृत तथा अग्नाशय में से जठर ग्रंथि नहीं है, ये सभी ग्रंथि है लेकिन जठर क्या ग्रंथि नहीं होती है, अंडाशय केवल स्त्रियों में ही पाए जाते हैं पुरुषों में ये नहीं होते हैं, अग्नाशय में स्थित लैंगर हैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, रक्तदाब का नियंत्रण जो होता है अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा। ये थे फिलहाल आज के इस वीडियो में बहुत भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें हमने डिस्कस करा आपसे मानव का हृदय के बारे में, परिसंचरण के बारे में, और अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती है वो। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट भी थे, जरूरी भी थे, और आपने शायद ये अच्छे से नोट करे भी होंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा,
और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको दिखाई देगा एक बेल आइकन, और उस बेल आइकन पे क्लिक करना प्लीज मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन पे क्लिक नहीं करते हैं और केवल सिंपल सब्सक्राइब पे क्लिक करके छोड़ देते हैं तो क्या होगा? तो केवल बस इतना होगा कि हम कभी भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको डेडिकेटेड प्रॉपरली हमारे चैनल पे जाना पड़ेगा, तब आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए बेल आइकन पर जरूर प्रेस क्लिक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक प्लीज शेयर जरूर करें। इसी के साथ लेता हूं आपसे अलविदा, मिलता हूं जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।